हेलो फ्रेंड्स, इसको आप डिस्प्ले रूम भी बोल सकते हैं, डिस्प्ले हॉल भी बोल सकते हैं, या डॉक्यूमेंट स्टॉल भी बोल सकते हैं। ये जब प्रोजेक्ट का सीआरएस होता है ना, जब अपना प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है तो सीआरएस करने के लिए रेलवे प्रोजेक्ट में आता है लोग, तो ये हमको डिस्प्ले हॉल, डॉक्यूमेंट या स्टॉल कुछ भी, इसको ऐसी प्रकार से पूरा व्यवस्थित हर एक डॉक्यूमेंट का जहाँ जहाँ रखे उसको इंडिकेट करने के लिए उसके ऊपर पेपर से निकाल के किया जाता है, जो कि हम आपको पूरा विस्तार से बताने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट स्टॉल है, देखिए ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट स्टॉल। यहाँ पे अब एगो वेलकम का लगा हुआ है जो अधिकारी आएंगे उनके लिए। यहाँ से आपको मान के लीजिए वेलकम डॉक्यूमेंट स्टॉल। फिर फ्रेंड्स हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, ये है आपको आईएस कोड जो कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, या आईआरएस इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड कोड है, आईएस एंड आईआरएस कोड, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। और ये है आपके थर्ड पार्टी रिपोर्ट, इसमें पूरा ऑल मटेरियल का थर्ड पार्टी रिपोर्ट होगी आपको। और फ्रेंड्स ये है आपको एफडीडी टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें हमारा ब्लैंकेट, सॉयल, एम्बेगमेंट सबग्रेड जो भी हो सबका एफडीडी रिपोर्ट है। ये आपका सॉयल रिपोर्ट्स है, जिसमें एमडीडी, एलएलपीएल, सीबीआर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग सीबीआर को एक अलग से इंडिकेट किए हुए हैं, सीबीआर टेस्ट रिपोर्ट। ये है ब्लैंकेट टेस्ट रिपोर्ट, ब्लैंकेट का ग्रेडिंग, एआईवी, एआईएफआई जो भी हो सब इधर रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। सर वाला पेपर सब कहाँ है? ये आपका ब्लास्ट मटेरियल्स है, उसका रिपोर्ट है। ये आपका सीमेंट एंड स्टील टेस्ट रिपोर्ट है। ओके, थैंक यू।